आप सबको जय मसीह की आज शाम की प्रार्थना में हम सब लोग उपस्थित हुए हैं, तो प्रार्थना को पूरी जरूर सुनिएगा और लास्ट तक सुनिएगा और लास्ट में आमीन जरूर बोलिएगा। चलिए हम प्रार्थना को शुरू करते हैं। धन्यवाद धन्यवाद मेरे स्वर्ग पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर इस सुंदर सी शाम के लिए पिता परमेश्वर, जब तूने पिता परमेश्वर हर एक मसीह भाई बहनों को पिता परमेश्वर संभाल कर रखा, जीवित रखा पिता परमेश्वर, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। सुबह से लेकर शाम तक पिता परमेश्वर जीवित रखा संभाल कर रखा पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। जबकि प्रभु जी आज के दिन हम सबों से जो गुना जो गलती हुआ है पिता परमेश्वर, जो अपराध हुआ है पिता परमेश्वर, जो पाप हुआ है पिता परमेश्वर, वो सारे गुनाहों सारे अपराधों को क्षमा कर दे पिता परमेश्वर। हम सबके दिलों और दिमाग को धुलकर शुद्ध कर दे पिता परमेश्वर, ताकि तेरे जैसे बन सके पिता परमेश्वर। जैसा तू पवित्र है वैसा हम सबको पवित्र बना पिता परमेश्वर, ताकि तेरे सामने खड़े होने की योग्य बने पिता परमेश्वर। पाप क्षमा करने का अधिकार सिर्फ यीशु मसीह को दिया गया, वही हमारे पापों को क्षमा कर सकता है। उद्धारकर्ता परमेश्वर वही है, वही हमारा उद्धार कर सकता है, कोई और उद्धार नहीं करने वाला है, वही हमारा एक सच्चा परमेश्वर है। जो इसमें स्वर्ग में विराजमान है, आकाश और पृथ्वी का सारा अधिकार उसे ही दिया गया है। मेरे जीवित परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, जब मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा है और इस समय स्वर्ग में विराजमान है। मेरे प्यारे प्रभु जी तेरे नाम की महिमा हो, तेरे नाम की तारीफ हो पिता परमेश्वर, तेरे नाम की प्रशंसा हो पिता परमेश्वर, क्योंकि तू महिमा करने के योग्य है, प्रशंसा करने के योग्य है पिता परमेश्वर। तेरे नाम की स्तुति और बढ़ाई हो मेरे प्यारे प्रभु जी, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। जबकि सुंदर से शाम दिखाई है पिता परमेश्वर, कितने तो होंगे पिता परमेश्वर जो आज की शाम नहीं देख पाए होंगे पिता परमेश्वर, लेकिन तू धन्य है पिता परमेश्वर, तू महान है पिता परमेश्वर, जो हम सबको जिंदा और जीवित रखा पिता परमेश्वर। तेरा कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, जितना धन्यवाद करो उतना ही कम है, क्योंकि सारा दिया हो तो तेरा है पिता परमेश्वर, हम सिर्फ आपको धन्यवाद ही दे सकते हैं, जितना धन्यवाद करो उतना ही कम है। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, जो लोग पिता परमेश्वर शाम को सोते हैं पिता परमेश्वर, जो हर एक मसीह पिता परमेश्वर शाम को सोता है बल्कि शैतान उसे डराता है पिता परमेश्वर, धमकाता है पिता परमेश्वर। तेरे सामर्थ्य नाम से खुदा यीशु मसीह, तेरा जलाली नाम से वो सारा डर पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से दूर हो सके, उसके जीवन से उसकी लाइफ से यीशु मसीह के नाम से वो सारी दुष्टात्माओं का डेरा पिता परमेश्वर उसकी लाइफ से जिंदगी से दूर होने पाए पिता परमेश्वर। हालेलुया, वो हर एक बंधनों से खुल सके, आजाद हो सके पिता परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, जबकि आज अभी भी पिता परमेश्वर मसीह पापों में जकड़े हुए हैं, पापों के दलदल में फंसे हुए हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी आपके जलाली नाम से खुदा यीशु मसीह, आपके समर्थित नाम से प्यारे प्रभु जी उन वो शैतानी बंधन यीशु मसीह के नाम से मैं खोलती हूँ, आजाद हो सके पिता परमेश्वर, आजाद हो सके प्रभु जी। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ आपके नाम से पिता परमेश्वर, वो सारे बंधनों को मैं खोलती हूँ पिता परमेश्वर, आजाद हो सके वही मसीह पिता परमेश्वर, और आपके नाम की महिमा और आपके नाम की प्रशंसा करे पिता परमेश्वर, क्योंकि शैतान तेरे सामने थरथराता और कांपता है पिता परमेश्वर। प्रभु जी मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, जो इस समय शाम को पिता परमेश्वर जो आते जाते हैं पिता परमेश्वर, उनकी रक्षा मदद कर पिता परमेश्वर। तेरे वचन में लिखा है पिता परमेश्वर, जहाँ जहाँ तेरे भक्त जाएंगे तेरे स्वर्गदूत उनके साथ रहेंगे। हाँ पिता परमेश्वर, जो प्रभु जी आने जाने में उनकी रखवाली रक्षा करना पिता परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ जो प्रभु जी हॉस्पिटल में बीमार पड़े हैं पिता परमेश्वर, अपनी बीमारियों से जूझे पड़े हैं पिता परमेश्वर, अपनी बीमारियों से प्रभु जी जूझ रहे हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी आपके समर्थी नाम से खुदा मसीह, आपके दलाली नाम से पिता परमेश्वर, उनके शरीर की सारी बीमारियां दूर हो सके पिता परमेश्वर, दूर हो सके पिता परमेश्वर, वो आजाद हो सके अपने सारे रोगों से, आजाद हो सके पिता परमेश्वर, उसका सारे रोगों को चंगा कर पिता परमेश्वर, उसे शिफा रिलीज होने पाए पिता परमेश्वर। हालेलुया, प्रभु जी मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, तूने हमसे बहुत प्रेम और बहुत प्यार किया है पिता परमेश्वर, तेरा प्रेम हर एक प्रेम से बड़ा है पिता परमेश्वर। प्रभु जी तूने हमारे और हर एक मसीह के लिए पिता परमेश्वर अपना पवित्र लहू बहाया पिता परमेश्वर, हम सबके लिए प्रभु जी आपने कोड़े खाया, दर्द सहाया पिता परमेश्वर, अपने सिर पे पिता परमेश्वर कांटों का ताज तेरे ऊपर पहनाया गया पिता परमेश्वर, तूने हम सबके लिए बहुत दर्द सहा है पिता परमेश्वर। मैं आपका कैसे धन्यवाद करूं पिता परमेश्वर, जितना धन्यवाद करो उतना ही कम है पिता परमेश्वर, क्योंकि तूने तो हम सबके लिए प्रभु जी अपना जान कुर्बान कर दिया क्रूस पर पिता परमेश्वर, अपने हाथों में कीले ठुकवाए पिता परमेश्वर। तू महान है पिता परमेश्वर, तू दयालु है पिता परमेश्वर, हमसे सच में बहुत प्रेम करता है प्रभु जी। जिस तरह तूने हमसे प्रेम किया उसी तरह हम आपसे भी प्रेम करने पाए पिता परमेश्वर, और अपने पड़ोसियों से भी प्रेम करें पिता परमेश्वर, अपने समान बना पिता परमेश्वर, हमारे हाथ देने वाले बना पिता परमेश्वर, लेने वाले नहीं पिता परमेश्वर।
गरीबियों की सहायता करने वाला यहोवा तू है। प्रभु जी, जो प्रभु जी 200-300 रुपए के लिए पिता परमेश्वर किसी के आगे हाथ फैलाते हैं पिता परमेश्वर, वो किसी के आगे हाथ ना फैलाने पाए पिता परमेश्वर, उनकी मदद उनकी रक्षा आप कर पिता परमेश्वर, उनके हर एक जरूरतों को आप पूरी करो पिता परमेश्वर, उनको बुद्धि और ज्ञान दे पिता परमेश्वर, आपके वचन के अनुसार प्रतिदिन हर एक मसीह बढ़ता जाए पिता परमेश्वर, आप में मजबूत होने पाए पिता परमेश्वर, हर एक प्रभु जी लोगों को चुन उनकी आत्माओं को बचा पिता परमेश्वर। प्रभु जी मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, हर एक मसीह की सहायता मदद को पूरी कर, उसके दिल की बातों को जान पिता परमेश्वर, जांच पिता परमेश्वर, उसकी हर एक सहायता को पूरी कर पिता परमेश्वर, हर एक मसीह को बुद्धि और ज्ञान दे, उतरे प्रेम और पहचान में बढ़े पिता परमेश्वर। जैसे प्रभु जी एक हिरनी पिता परमेश्वर नदी के जल के लिए हफती है, वैसे प्रभु जी हर एक मसीह आपके लिए हफता है पिता परमेश्वर। प्रभु जी हर एक मसीह को पिता परमेश्वर अपनी छाओं में ले ले पिता परमेश्वर, ताकि उस पर शैतान की छाया न पड़ने पाए पिता परमेश्वर, उसको बुद्धि और समझ दे पिता परमेश्वर, शैतान के हर एक बंधनों से वो दूर हो सके, खुल सके पिता परमेश्वर। प्रभु जी मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, किसी को तो अपने धन पर घमंड है, लेकिन मुझे अपने यहोवा पर घमंड है, क्योंकि वो जो यहोवा पर विश्वास करता है वो कभी लज्जित नहीं होता है, और जो यहोवा पर नहीं विश्वास करता है वो लज्जित होता है। संकट के दिन यहोवा को पुकारो, तुम्हारी प्रार्थना को जरूर सुनेगा और अपने पवित्र स्वर्ग से तुम्हारी प्रार्थना का उत्तर देगा। यहोवा के कान बहरे नहीं है कि तुम्हारी उस प्रार्थना को सुने नहीं, बल्कि विश्वास से प्रार्थना करो, यहोवा तुम्हारी प्रार्थना को जरूर सुनेगा। मूर्तियों देवताओं के तो कान हाथ रहते हैं, लेकिन वो ना तो सुन सकती है, ना ही तो आपको छू सकती है, ना ही उन पैर तो है, लेकिन वो चल नहीं सकती है, लेकिन मेरे यहोवा की आंखें हैं, वो तुम्हें देख भी सकता है और तुम्हें छू भी सकता है और तुम्हें हर एक पापों से क्षमा भी कर सकता है। मेरा यहोवा बहुत महान है और जीवित यहोवा है, वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा है और अपने अपने भक्तों से वो बहुत प्यार करता, बहुत प्रेम करता है। सबसे पहला स्थान अपने दिल में यहोवा को दो, यीशु मसीह को दो, अपने अंदर एक पवित्र आत्मा बुलाओ, ताकि आपके मनों का पाप धुल सके और यीशु मसीह के सामने आप लोग खड़े होने के योग्य बनो। पिता परमेश्वर हर एक मसीह की पापों गुनाहों को क्षमा कर पिता परमेश्वर, प्रभु जी उनकी तरफ से मैं माफी मांगती हूँ पिता परमेश्वर, उनके हर एक पापों को धुलकर शुद्ध कर, उनके पापों को क्षमा कर पिता परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, तू सेनाओं का यहोवा, तेरा ऊंचा गढ़ है पिता परमेश्वर, तेरे पवित्र स्थान में कौन खड़ा रह सकता है, वही जो पवित्र होगा। हाँ पिता, जैसा तू पवित्र है वैसे हम सबको पवित्र बना, ताकि तेरे सामने खड़े होने के योग्य बने पिता परमेश्वर। प्रभु जी हम सब एक दूसरे से प्रेम करने वाले बने पिता परमेश्वर, सबसे बड़ी आज्ञा तो तेरी प्रेम ही है पिता परमेश्वर, हमको प्रेम करना सिखा पिता परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, जिसके घर में पिता परमेश्वर लड़ाई झगड़ा होता है पिता परमेश्वर, प्रभु जी जो दारू शराब पीता है पिता परमेश्वर, प्रभु जी घर पर आधे तो जन विश्वास करते हैं पिता परमेश्वर, लेकिन आधे जन तो भटके हुए हैं पिता परमेश्वर, शैतान के जाल में पड़े हुए हैं पिता परमेश्वर, फंसे हुए हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी उस घर पर तेरा आशीष का हाथ हो पिता परमेश्वर, तेरा दया का हाथ हो पिता परमेश्वर, उस घर पर तेरा स्वर्गदूत टहलने पाए पिता परमेश्वर, उस घर से सारी दुष्ट आत्मा प्रभु जी आपके समर्थित नाम से निकल सके पिता परमेश्वर, वो घर पवित्र होने पाए पिता परमेश्वर, उसके घर से सारी दुष्ट आत्माओं का प्रभाव सब निकल सके, यीशु मसीह वो घर पवित्र हो सके और तेरे नाम की जय जयकार हो पिता परमेश्वर, उस घर में तेरा नाम की प्रशंसा हो पिता परमेश्वर। प्रभु जी मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, हर एक जन को पिता परमेश्वर संभाल पिता परमेश्वर, हर एक जन को पिता परमेश्वर तेरे ही बाहों में मैंने सौंप दिया है पिता परमेश्वर, हर एक जन को संभाल, आकाश और पृथ्वी को बनाने वाला यहोवा तू है। प्रभु जी 6 दिन तो तूने आकाश और पृथ्वी को बनाया, 7 दिन तूने विश्राम किया है पिता परमेश्वर, विश्राम दिन को हमको पवित्र प्रभु करना सिखा पिता परमेश्वर, विश्राम दिन का हम सब पालन करें पिता परमेश्वर, हम सबको बुद्धि और ज्ञान दे पिता परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, हर एक मसीह पिता परमेश्वर तेरा प्रेम और तेरा पहचान में बढ़े पिता परमेश्वर, सबको बुद्धि और ज्ञान दे पिता परमेश्वर। प्रभु जी आज के शांत हाथों में सौंपती हूँ छोटी सी प्रार्थना, यीशु मसीह के पवित्र नाम से मानती हूँ, आमीन।